डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना अंतर्गत एक तलाकशुदा महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली सिर में मारी गई है। एक साल पहले ही 30 वर्षीय साइमा का तलाक हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया है कि किसी बेहद निकट के ही व्यक्ति ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। सुबह जब पड़ोसी वहां पहुंचे तो 7 साल की बेटी शव की गोद में सो रही थी। साइमा की सदीक नगर के शहजाद से 2014 में निकाह हुआ था। उनके 7 साल की बेटी लायरा है। साइमा अपनी माँ के साथ श्याम नगर में हाजी शौकत के मकान में किराए पर रह रही थी। इस बारे में SP सिटी विनीत भटनागर ने यह जानकारी मीडिया को दी। ये थाना लिसाड़ी गेट में श्याम नगर क्षेत्र में ये घटना हुई है। आज सवेरे पुलिस को जानकारी मिली कि एक महिला जो अपनी छोटी बच्ची के साथ रहती थी उसकी असामान्य परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। मौके पर जाकर देखा गया तो जानकारी मिली साइमा नाम की महिला है और इनके प्रतीत हो रहा है कि इनके सर में संभवतः फायरआर्म की इंजरी है। पोस्टमार्टम के बाद में जो है इसकी मृत्यु का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। वहां पर हमारी फील्ड यूनिट वगैरह आई, फील्ड यूनिट वैज्ञानिक दल हमारा आया, उन्होंने भी तमाम साक्ष्य एकत्रित किए। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ वहां पर जानकारी करने से कि संभवतः इनके परिजनों के द्वारा किसी निकट संबंधी के द्वारा ही ये जो है घटना कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। कुछ व्यक्ति कुछ ऐसे साक्ष्य हमको मिले हैं जिससे ये बातें पुष्ट हो रही है कि इनके परिवार के निकट सदस्यों ने, जिसमें इनके बिल्कुल निकट क्लोज सदस्य परिवार के, उनके द्वारा घटना करी गई। लेकिन अभी तहरीर प्राप्त करके और साक्ष्य के आधार पर आगे बढ़ाने कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सारे एंगल्स खुले हुए हैं। मैंने आपसे कहा कि अभी तो बहुत शुरुआती स्थिति है। जो वहां पर हमको जानकारी प्रारंभिक रूप से मिली है वो मैंने आपसे शेयर करी है। मृत्यु का कारण अभी थोड़ी देर में पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जाहिरा तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फायरआर्म से इसके सर में इंजरी पहुंचाई गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FirstBite.tv। नमस्कार।